नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी हमारे विद्यालय बच्चों के लिए बंद हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन जैसे ही विद्यालय बच्चों के लिए खुलेंगे तो उसके बाद हमें समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कार्य कराना होगा, बच्चों को कहानी पर कार्य कराना होगा, चित्र चार्ट पर चर्चा करानी होगी, इसके साथ साथ कविता पर चर्चा करानी होगी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। हमारे बागपत जनपद के पीएस गोरीपुर जवाहर नगर कंपोजिट ब्लॉक बागपत की एक शिक्षिका हैं मनोज कुमारी नैन जी। वे बच्चों को किस तरह से कहानी पर कार्य कराते हैं वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को पढ़ाती हैं। देखिए, इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि एक शिक्षक अपने विद्यालय में कितनी मेहनत कर सकता है और किस तरह से बच्चों को पूरी तरह से अपने शिक्षण में इन्वॉल्व कर सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शिक्षिका मनोज कुमारी नैन जी कितने अच्छे तरीके से बच्चों को कहानी पर कार्य करा रहे हैं। सभी को नजर आया? हाँ जी। मीना कैसी लड़की है तो बताएगा? मीना बहुत समझदार और ईमानदार लड़की थी। वह सभी की सहायता करती थी। वेरी गुड। आज हमारा कहानी का विषय है वो है मानवीय संवेदना पर आधारित कहानी स्मृति की समझदारी। आओ बच्चों सुनाएं कहानी। एक लड़की की समझदारी। एक लड़की की समझदारी। एक थी श्रुति, एक थी अंजू। एक थी श्रुति, एक थी अंजू। श्रुति जाती थी विद्यालय। श्रुति जाती थी विद्यालय। अंजू करती थी अन्य कार्य। श्रुति ने पूछा कारण। श्रुति ने पूछा कारण। कारण पूछ या निवारण। कारण पूछ या निवारण। सब बच्चों का पराया नामांकन। सब बच्चों का पराया नामांकन। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं वे विद्यार्थी कहलाते हैं। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं वे विद्यार्थी कहलाते हैं। जो बच्चे मजदूरी हैं करते। जो बच्चे मजदूरी हैं करते वे बाल श्रमिक कहलाते हैं। आज की हमारी कहानी जो है वो इसी पर आधारित है। श्रुति नाम की एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर और मेधावी छात्रा थी। वह उसके पापा जो थे वो एक पुलिस अधिकारी थे। श्रुति के पापा पुलिस अधिकारी थे। एक बार उनका तबादला अथवा स्थानांतरण हो जाता है। वे जिस शहर में आते हैं वहां पर उनको सरकारी आवास नहीं मिलता है, इसलिए वे एक शहर के छोर पर अर्थात किनारे पर किराए का मकान ले लेते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं। श्रुति की मम्मी से घर का पूरा कार्य नहीं हो पाता, इसलिए वो एक नौकरानी रख लेती है। नौकरानी की लड़की जो अपनी मम्मी के साथ आती थी उसका नाम होता है अंजू। जब अंजू अपनी मम्मी के साथ रोजाना आती थी बहुत ही मैले कुचैले कपड़ों में और गंदी होते हैं, जबकि श्रुति बहुत सुंदर थी और जो वो थी अंजू वो बदसूरत थी। श्रुति लंबी थी और अंजू छोटी थी। श्रुति पतली थी और वो मोटी थी। श्रुति अमीर थी वो गरीब थी, इसलिए तो उसकी मम्मी उनके यहाँ पे नौकरानी बन के आई थी। तो अंजू अपनी मम्मी के साथ रहती, उनका हाथ उठाती कार्य में, लेकिन वो गंदी रहती थी इसलिए श्रुति से बात नहीं करती थी। गंदे बच्चों को कोई पास में बिठाना पसंद नहीं करता ना। नहीं जी, हमें गंदा क्यों नहीं रहना चाहिए फिर? हमें गंदा इसलिए नहीं रहना चाहिए, हम गंदा रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। वेरी गुड। तो श्रुति जो थी अब उसको पास में फ्रेंड नहीं थी यानी के वहाँ पे, क्योंकि सब झुकी झोंकी के बच्चे थे।
तो सूर्य की मम्मी ने अपनी मंजू की मम्मी को समझाया कि इसको साफ रखा करो, साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, इसके बाल कटाओ, नाखून काटो और प्रतिदिन स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और सोच के बाद भोजन से पहले दो बार साबुन से अच्छे से ऐसे कर करके हाथों को साफ रखना चाहिए। हम सब स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। उसकी मम्मी की बात सुनने आ जाती और वो अंजू को साफ सुथरा अपने साथ लेकर आना शुरू कर देती है। अब सूर्य की अंजू की दोस्ती हो जाती है, दोनों फ्रेंड बन गई है, मित्र हो गए अच्छी सी। तो जब अंजू खेलती रहती है तो एक दिन बातों बातों में पूछती है सूर्य, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? क्या क्वेश्चन पूछती है? अंजू बेचारी वहाँ से हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, कहती है मैं स्कूल इसलिए नहीं जाती हूँ, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है और मैं तो प्यार झूठी हो गई हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। और राजन और सोफिया दो बच्चे जो पटाखा फैक्ट्री में हाँ बाल श्रमिक थे, मजदूरी करते थे, वो बच्चे झूठी झोंपड़ी थे जो घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब अंजू जो है बहुत परेशान थी, उसने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी। श्रुति परेशान हो जाती है। शाम को जब उसके पापा आते हैं तो वो कहते हैं श्रुति तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान सी क्यों दिखाई दे रही हो? तो श्रुति अपने पापा को बताती है, पापा जी क्या आप मेरे लिए एक काम करोगे? उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अंजू जो है वो सारी बातें अपने पापा को बताती है कि पापा जी यहाँ पे जो है पटाखा फैक्ट्री है और वहाँ पे जो है बच्चे मजदूरी करते हैं। उसके पापा क्या थे? पुलिस अधिकारी। तो वे जाकर उस पटाखे बनाने के कारखाने को छापा मार देते हैं और वहाँ पर जो बच्चे जो मजदूरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल श्रमिक। उनको वहाँ से मुक्त करा देते हैं। फिर उनका एक सरकारी विद्यालय में जाकर श्रुति अपने पापा के साथ जाकर उनका नामांकन करा देती है। सब बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। तो श्रुति अब खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सहेली उसके साथ स्कूल जाने लगी। श्रुति ने कैसा कहा लिखे अच्छा क्या ना, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे क्या अभियान चल रहा है हमारे शासन का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से श्रुति ने इस अभियान में अपनी सहभागिता प्रदान की। हमारे यहाँ पर शिक्षा का क्या अधिकार है? 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने हमें प्रदान किया है। बाल अधिकार होते हैं जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। जैसे श्रुति ने उन बच्चों का नामांकन करा, उनका जीवन उससे अच्छा बनेगा, एक अच्छा कार्य किया, इसी तरह से हमें भी गरीब बच्चों की हमेशा सहायता करनी चाहिए और देश के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। गाने कैसी लगी सभी को? साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, मनोज कुमारी नैन जी का प्रयास आपको किस तरह का लगा, ये सब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और इसके साथ साथ मनोज कुमारी नैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर वीडियो बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों अगर आपने भी इस तरह से एक्टिविटी कराकर बच्चों को पढ़ाने में कोई गतिविधि कराई है तो उसकी वीडियो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।